What's up everyone, this is Zephyr Junaid the Wolf and this is day 4 of Rebuild. और मेरे पीछे ये जो आवाज आ रही है वो है इस चीज की। So right now I'm conducting the class of boxing and we'll meet there after workout. बॉक्सिंग सेशन तो हो गया था बट मोबाइल की बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई थी तो इसको चार्ज पे लगा दिया था। देन आई फाउंड दिस गाय एसन भाई। तो ब्रो आपकी क्या इंजरी का क्या सीन है? ये बैंगलोर में आया था इंजरी मेरी लैप से। अभी जो है एसन बॉय को थोड़ी सी रिहैब करवाएंगे एंड देन फिर आफ्टर दैट मैं भी अपना वर्कआउट करूँगा। सो कैच यू सून आफ्टर वर्कआउट। अभी मैंने जो है चेंज कर लिया है फॉर द वर्कआउट और कतई ही दिल नहीं कर रहा है वर्कआउट करने का। और अभी नीचे बॉयज को जो है बॉक्सिंग कराते हुए कुछ पंचेज बता रहा था बैक पे जो कि मैं खुद विदाउट वार्म अप कर रहा था और ड्यू टू स्वेटिंग मेरा जो है हाथ स्किट हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे शोल्डर में जो है जर्क फील हुआ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जॉइंट रिहैब करके या जो है थोड़ी सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करके आई गेस मैं थोड़ी सी आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करूँगा।
क्योंकि जब मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता तो मैं कुछ ऐसी चीज़ की तरफ जाता हूँ जिसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हो, जो मतलब दांत दिल चाहते हुए भी मैं कर सकूँ। सो कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। The nightly waste, all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run. And let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts अबे यार ऐसा सही का बलात्कार हुआ है ना अभी मेरे साथ। आई फ्राइड माई पर्सनल बेस्ट फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर, जो होता है बेसिकली हुक के अंदर हम अपना पिन करने की जो है ट्राई करते हैं आर्म रेस्लिंग में। तो मैंने कर तो लिया अपना पीआर, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बनी तो कैमरा वॉज ऑफ दैट टाइम। तो एक मरतबा और थोड़ा रेस्ट के बाद ट्राई करूंगा, अगर शायद हो जाए तो हो जाए, वरना बहुत मुश्किल से हुआ था। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, राइट से मिस मुझसे हो जाता है बट लेफ्ट से नहीं होता है। सो ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो भाई पहले तो वर्कआउट करने का मेरा मूड नहीं हो रहा था और अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। द रीज़न इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वी स्मॉल जिम, जिम इज टोटली एम्प्टी। तो भाई जिम है पूरा खाली, तो मैं लगा पड़ा हूँ। We can run.
तो भाई वर्कआउट डन है और बड़ा ही मज़ा आया। कोई आज बिल्कुल ही जो है हमारे बॉयज थे नहीं जिम में बिकॉज ऑफ द सीज़न ऑफ बकरीद। सो तमाम जो है अपने कैटल्स के साथ जो है जानवर वगैरह के साथ लगे पड़े हैं और एक अच्छी चीज़ है। हमारा एक फेस्टिवल है जिसको हम जो है नहायत ही अकीदत से और रिस्पेक्ट के साथ मनाते हैं। तो बहरहाल तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी कि जिम मुझे खाली मिल गया बिल्कुल दिल ना होते हुए मैंने एक एक्सट्रीम वर्कआउट मार लिया आर्म रेसलिंग का एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट क्योंकि मेरा कतई दिल नहीं कर रहा था तो एक अच्छा हो गया सीन। सो अब मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट तो हो गया है तो अब कुछ खाने का देखते हैं कुछ हेल्दी या कुछ एनर्जेटिक। जो इतनी सारी चीज़ें निकल गई हैं जो कैलोरीज बर्न की हैं जो स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ लगी है उसको रिकवर करना है तो चलते हैं अपनी रिकवरी की तरफ। ओह तो भाई इट्स लेट एट नाइट लाइक 200 आवर्स 2 बज रहे हैं सुबह के और लेट इसलिए हो रहा है यार बेसिकली मैनेजमेंट नहीं है। एक तो मैं कोई भी काम कर लेता हूँ लेकिन बस फिर वो होते होते ही सही होता है। तो ये है कि सुबह जॉब होती है 8 आवर्स ऑफ जॉब फिर उसके बाद जो है मैं जिम चले जाता हूँ पहले कोचिंग देता हूँ फिर उसके बाद अपना वर्कआउट करता हूँ उसके बाद जो है मैं आता हूँ घर पे और फिर थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का भी मैं पूरे दिन में ऐसे करता हूँ कि जब थोड़ा टाइम मिलता है कुछ ना कुछ क्लिप्स को जो है मैं एडिट करता रहता हूँ। तो खैर है हो जाएगा बाय द टाइम हर चीज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है। और इससे पहले मैं एक रमज़ान सीरीज़ कर रहा था उसमें भी यही हुआ था कि शुरू में थोड़ा सा फ्लॉस थे फिर बाय द टाइम जो है वीडियो अच्छी बनने लग गई थी। तो सेम गोज फॉर दिस आई होप सो। और बस यही है आज बड़ा ख़तरनाक वर्कआउट हुआ जस्ट नहा धो के खाना खा के अभी मैं जस्ट ये एक डिज़र्ट की तलाश में था जो कि मुझे मिल गया। तो भाई कल फिर मिलते हैं और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो और यस लेट्स रिबेंड।